नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी एक बार फिर पहली बातें पे और बात करेंगे बिग बॉस हाउस सीजन नंबर 13 हिंदी के बारे में। दोस्तों कहीं ना कहीं जो कनेक्शन सबसे प्यारा बनता हुआ नजर आ रहा था वो डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहा है। जहां पर लोगों को लग रहा था कि सहनाज एंड पारस का हो सकता है कनेक्शन, तो पारस ने फिर एक बार तोड़ दिया सहनाज का दिल। हालांकि जैसे सहनाज ने कहा, वहीं कहीं ना कहीं शेफाली जिस तरीके से बता रही थी वॉज लाइक वो सिर्फ बता रही है, बट पारस वॉज प्लेइंग गेम। तो शायद उन्हें लग रहा है कि शेफाली कहीं मेरे गेम के बीच में ना जाए, सो ही वॉज शाउटिंग ऑन शेफाली। वेर एज अगर देखा जाए तो कई लोग बोल रहे थे कि शायद रश्मि एंड हो सकता है सिद्धार्थ का कनेक्शन, बट एक रोटी के लिए जिस तरीके का ये झगड़ा हुआ है, औकात की बात आई है, आवाज की बात आई है, दिस ऑल आर लुकिंग सो नेगेटिव, तो शायद दोनों के बीच में कनेक्शन ना बने। वहीं कहीं ना कहीं अगर आप प्रोमो देखते हो तो शायद दिख रहा है कि आरती सिंह समझा रही हैं सिद्धार्थ शुक्ला को, सो माइट बी देयर विल बी द कनेक्शन बिटवीन आरती एंड सिद्धार्थ, अदरवाइज सिद्धार्थ एंड रश्मि का बना सकते हैं। वहीं सिद्धार्थ डे एंड शेफाली के बीच में एज अ फ्रेंडशिप कनेक्शन माइट बी गेट बिल्ड, वेर एज वेरी नेगेटिवली कोइना मित्रा इज कमिंग। कोइना मित्रा ने जिस हिसाब से स्टार्टिंग में जो पॉजिटिव वाइब के साथ द वे शी वॉज लाइक यू नो लीडिंग द हाउसमेट, बट कहीं ना कहीं जब से वो नॉमिनेट हुई हैं इस बार, पहली बार में तो वो बहुत ज़्यादा कूल थी, पर इस बार में जिस तरीके से वो लाइक सबके पास जा जाके वो कर रही हैं, सो इट वॉज लाइक दिख रहा है कि कितनी नेगेटिव हो चुकी है। एंड माइट भी जिस तरीके से सलमान खान ने अप्रोच किया है शेफाली को, लाइक जिस तरीके से उन्होंने अप्रिशिएट किया शेफाली को, बिकॉज ऑफ दैट जो माहौल है घर का वो थोड़ा सा उथल पुथल हो चुका है। एज सिद्धार्थ शुक्ला वेरी राइटली सेड कि ये सलमान खान ने बोल के जो गए हैं उसकी वजह से अब सबको उठ के दिखना है। सो दोस्तों अगर ये उठ के दिखने में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको उठना कब है और कहाँ पे शांत बैठना है। सो माइट भी ये जो हो रहा है कोइना मित्रा का नेगेटिवनेस, पारस जो बहुत स्मार्टली गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोई हर्ट हो जा रहा है, तो दो नाव में सवारी तो नहीं हो पाएगी पारस। यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड प्ले अकॉर्डिंगली। वेर एज जहाँ पर ये देखा जा रहा है क्वीन टास्क में सहनाज एंड शेफाली इज आउट ऑफ द गेम, बचे हैं कुछ। हालांकि जहाँ पर देखा जा रहा है कि देवोलिना जब आए उन्होंने शेफाली का बाहर किया और सहनाज का बाहर कर दिया है सबसे फेवरेट दलजीत कौर ने। हालांकि दलजीत कौर बहुत क्यूट दिखती है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने सहनाज को आउट किया वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, बट हाँ कहीं ना कहीं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोइना मित्रा जो रिक्वेस्ट कर रही है पारस से, सुशी वो स्टार्टिंग प्लेइंग गेम, तो ये सब बहुत ज़्यादा खिचड़ी जो घर में बन रही है वो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। वैसे आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए घर की पहली क्वीन, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख डालो, आखिर आज रात को तो पता चल ही जाने वाला है। दोस्तों चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और ज़रूर बात करेंगे छुपे हुए पहलुओं पर। आपको लगता है जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ फटाफट आप बता सकते हो, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट टू दिस चैनल पहली बातें।